कष्ट कर रहे हैं कि हमने अपने अपने जो भी जिम्मेदारी हैं, किसी ने एजुकेशन को देखना है, किसी ने हेल्थ को देखना है, किसी ने जरात को देखना है, और बेशुमार जितने भी महकमे हैं, ट्रांसपोर्ट को देखना है, लॉ ऑर्डर को देखना है, इन तमाम चीज़ों को जब हम सामने रख कर अगर अवामी अपने पसंद नापसंद को तर्फ करके आपने पाकिस्तान और पंजाब आपने फैसले करने हैं और कोशिश करनी है। मुझे पूरी उम्मीद डेफिनेटली उसमें सही साबित करने के लिए ये तमाम जो मैंने गुजारिशा की हैं उनको आप ज़रूर उनके ऊपर गौर करवाएंगे। इन तीन सालों में सवा तीन सालों में जो कुछ जो काफ़ी की गई वो आपके सामने है, और 2013 के इलेक्शन में जिस तरह वज़ीर आज़म अक्सर फरमाया करते हैं कि मैंने आवाम से वज़ीर आज़म ने आवाम से वादा किया कि गो के अभी ये आदाब मुकम्मल होने हैं, लेकिन इन दोनों मैदानों में जो कोशिश हुई है पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान सूबाई हुकूमतों ने मिलकर और अस्करी क्यादत ने मिलकर इस नासूर का सर चुनने के लिए जो खिदमात की हैं, जो मेहनत की है, वो अब तारीख का हिस्सा, चाहे वो इस्लामाबाद हो, चाहे वो खुश किया है ताजरों ने, बुज़ुर्गों ने, भाइयों ने, बहनों ने, तो ये तारीख दुनिया की तारीख में अनोखी तारीख मुरतब हुई है, कोई दूसरी मिसाल इसके करीब से भी नहीं गुजरती, और उसका नतीजा सैन में हुए। लेकिन जो बर्बरियत और जो जुल्म ये दहशतगर्द पिछले सालों में ढा रहे थे, आज जुल्म और बर्बरियत के बादल उनमें कमी आई, वो थम गए हैं, और अगर इसी तरीके से हम सियासी क्यादत और असल की क्यादत मिलकर अगर इसी जस्तु इसी जनता के इस मोजी दुश्मन को मौका जो इतना बड़ा कौम ने जो कुर्बानियाँ दी हैं ये रायदा नहीं जाएंगे। इसी तरीके से पिछली के हवाले से और मैं इस हवाले से जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान को हम अस्करी क्यादत को मुबारकबाद पेश करते हैं, और सिपा सलार जो फौज है बड़ी बड़ी इज्जत और वकार से जो अपने अहदे से दोष हो जाएंगे उनको उनके साथियों को मुबारकबाद पेश करते हैं, उन शहीदों के इसी हवाले से जो बिजली के जो अंधेरे थे ना होने की बना पर और उसने पाकिस्तान की मीशत को जो बिल्कुल तबाह कर दिया था और ख़ास तौर पर पंजाब की मीशत को का जनाजा निकल गया था बिजली और गैस ना होने की बना पर, मैं पंजाब की इसलिए बात करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें खुशी है कि बाकी समूह में गैस की रखा मौजूद है। सुबह एक अगर हमारे पास पंजाब में गैस की रखायत अगर नहीं है तो हमें कोई उसके ऊपर अफसोस नहीं होना चाहिए। एक शानदार ज़मीन भी है ज़रात में, पंजाब का नंबर वन है पूरे पाकिस्तान में, हमारे किसान अलहमदिल्ला बहुत मेहनती, एक तप्ता मैदान था, रेत थी और सूरज की शुआएँ थी, और इंसान वहाँ पर गर्मियों में अगर 14 सेंट गया है, यानी पंजाब हुकूमत की शफाफियत और मेहनत की वजह से नेपरा ने अपना जो टैलेंट है उसको 14 सेंट पर गया, जिसकी हमें बहुत खुशी है। मगर मैं ये बड़ा खौफ तभी बात कर सकता हूँ कि नेपरा ने वो विंड पावर है चाहे वो कोल बेस्ड पावर है, उसमें नेपरा ने इस तरह के रिविजन पहले मुजुबे में कहीं नहीं की। ये वाहिद पंजाब को अल्लाह ताला ने ये इज्जत बख्शी कि जब हमने ये पैसा ये मुजुबा लगाया तो 17 से 14 सेंट्स पे उनको उन्होंने अपनी अपनी टैरिफ उन्होंने मुकर किया, जिससे कि फायदा किसको होगा, कंज्यूमर को अपना जिसने बिजली इस्तेमाल करनी, और हमें उसकी बड़ी खुशी है। और आज फिर नेपरा ने मजीद उसको टैलेंट को
डाउनवर्ड उसको रिवाइज किया और आज 10.5 सेंट्स उन्होंने बिजली का निर्गत मुकर्रर किया चमची दबाने से जो बिजली बनती है। हमें इससे बड़ी खुशी और इच्छा था नेपरा को हम एक मरतबा फिर उनको चक्कर देंगे कि हम जो अपने चाहना पंजाब में सोलर की बिजली लेके आएंगे वो 6-7 सेंट्स के ऊपर होगा। नेपरा फिर मजबूर होगा 10.5 सेंट्स को 7 सेंट्स लगाने के लिए। नेपरा की अपनी कारकर्दगी तो ये है 0/0। जब गैस बेस्ड पावर प्रोजेक्ट जब डल रहे थे वजीर पाकिस्तान ने जो फैसला किया था पिछले साल कि हमने 3600 मेगावाट बिजली के मनसूबे लगाने हैं गैस की बुनियाद पर, तो उसमें 1200 मेगावाट का पंजाब ने से डाला और 2400 मेगावाट फेडरल गवर्नमेंट ने उसका शेयर किया। आज ये तीनों मनसूबे दिनरात उन पर काम हो रहा है और आसमानों से बातें कर रहे हैं। नेपरा ने इनका टैरिफ निकालने में कई अगर साल है तो कई महीने लगा दिए, कभी ये बहाना कभी वो बहाना कभी ये बहाना, ये तो नेपरा की अपनी कारकर्दगी है। और फाइन हमने कहा खुदा के वास्ते हमें टैरिफ दें, हमने बैंकों से पैसे ले लिए अपनी एक्ट्री डाल दी है, आप ये क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ पर रंग में भांगड़ी डालना चाहता हूँ और नेपरा बाकी अपने बैंक से पैसे ले लेते और बैंक से कहते थे कि टैरिफ नहीं आएगा तो हम कहाँ से आपको पैसे देंगे, हमें पता होना चाहिए कि मनसूबा मुनाफा कमाएगा या नुकसान में जाएगा, वो बैंक का पैसा यकीनन बैंक का ही हक था। और इतना इसमें तखीर भी मैं आपको बता नहीं सकता, खुदा खुदा करके मेरे को टैरिफ मिला और नेपरा फिर मजबूर हुआ। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जब ये मनसूबों का आगाज किया गया उस वक्त गैस बेस्ड पावर प्रोजेक्ट का जो टैरिफ था वो 10.5 सेंट था और आज जब वजीर अजम नवाज साहब की सरबराही में जब ये तीनों मनसूबों के ऊपर काम शुरू हुआ और उन्होंने मुझे हुक्म दिया कि मैं उनका टीम के साथ में काम करूं तो फिर वजीर अजम साहब के पास सफर है और बात करते हैं आप प्रांश लाइन की कि वो नहीं बनी ऊपर अपने एंटिटी जो है उनको पूछें उनसे बात करें। लेकिन नेपरा पहले कौम को अपना एहसास करे, मैं कौम को बताना चाहता हूँ कि नेपरा ने जितना पाकिस्तान के अंदर पावर सेक्टर को नुकसान पहुंचाया किसी ने शायद कभी ना पहुंचाया हो। ये अल्लाह ताला का खास करम है कि वजीर आजम साहब की सरबराही में ये मनसूबे उसके बावजूद उनकी ताखीर उनकी नेगलिजेंस उनकी इनकॉम्पिटेंस के उसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह ये मनसूबे जो हैं वो बड़ी सुरंग से बड़ी तेजी से मुकम्मल हो रहे हैं। और आपको शायद जानकर बे इंतहा खुशी होगी कि इस दिसंबर के महीने में जो गैस बेस्ड पावर